तो चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो गाजियाबाद से आ रही वोटिंग को लेकर सपा प्रत्याशी मदन भैया ने बड़ा आरोप लगाया है। मतदान केंद्र पर धीमा मतदान का ये आरोप लगाया है और अधिकारियों से शिकायत भी की है। चुनाव आयोग से बाकायदा संज्ञान लेने की अपील मदन भैया ने की है। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे दें, गाजियाबाद के लोनी से सपा प्रत्याशी है मदन भैया और बीजेपी पर ये संगीन आरोप लगाया है। बीजेपी प्रत्याशी नंद किशोर गुर्जर पर जो है बाधा डालने का ये आरोप मदन भैया की तरफ से लगाया गया है। बाकायदा चुनाव आयोग से अपील की गई है, संज्ञान लेने की अपील की है। ये बड़ी जानकारी गाजियाबाद से निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी नंद किशोर गुर्जर पर यह संगीन आरोप लगाया है। बूथ नंबर 442 443 पर वोटरों को रोकने का यह बड़ा आरोप मदन भैया की तरफ से लगाया गया है। वोटिंग प्रक्रिया में खलल डालने का आरोप भी मदन भैया की तरफ से लगाया गया है और चुनाव आयोग से बाकायदा इस पूरे मसले को लेकर संज्ञान लेने की अपील की है। इंटर कॉलेज में हम खड़े हैं और इसी तरह लोनी के सभी स्कूलों में जो मुस्लिम बाहुल है, ये अधिकारी जान पूछ के मतलब जो है बहुत स्लो मतदान करा रहे हैं और वोटिंग में अवरोध पैदा कर रहे हैं। मेरी एक घंटे यहाँ मशीनरी 5 जगह की वो आपकी रिपोर्टिंग मिली है और हमने आपको शिकायत भेजी। मेरी मुख्य निर्वाचन अधिकारी से अपील है और मांग है, इसे कृपया दिखवाइए और मुस्लिमों को अपने अधिकारों से वंचित होने से बचाइए।